हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रपाएस मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेंटी अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को सो ये द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले दिस पिंच ऑफ पॉजिटिविटी विक्ट्री इज़ ऑलवेज पॉसिबल फॉर द पर्सन हु रिफ्यूजेज टू स्टॉप फाइटिंग सो इफ यू रिफ्यूज टू क्विट इफ़ यू रिफ्यूज टू स्टॉप फाइटिंग दैन देर आर हाई चांसेज देट यू विल भी सक्सेसफुल इन वॉट एवर योर गोल इज़ चाहे वो गोल कितना भी डिफिकल्ट हो चाहे वो गोल कितना भी आसान हो कैसा भी गोल हो ठीक है अगर आप क्विट करने से मना कर देते हैं देन यू आर गोइंग टू बी विक्टोरियस और राइट सो विद दिस पॉजिटिविटी लेट्स मूव अहेड आज के टॉपिक्स देख लेते हैं जी वन में वी हैव नथिंग फॉर टुडे जी टू में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से वी विल बी डिस्कसिंग बर्थ डेथ डाटा बेस सो सेंटर इज नाउ सीकिंग अ बर्थ डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ डेट डाटा बेस एंड फॉर वॉट पर्पज वी विल बी हियर ओके देन नॉक एवरीडे नॉक एवरी डोर कैंपेन तो ये नॉक एवरी डोर कैंपेन क्या है किस चीज़ से रिलेटेड है इसको देखेंगे ईरान तालिबान मीट सो देयर इज अ मीट व्हिच हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन तालिबान एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान सो व्हाट हैज़ बीन डिस्कस इन दैट मीट वी विल बी डिस्कसिंग इट हियर देन इंटरनेशनल रिलेशंस में चाइनाज न्यू लैंड बाउंड्री लॉ सो दिस लॉ हैज़ बीन री नाव रिसेंटली पासड इन चाइना एंड वॉट दिस लॉ सेज एंड वॉट इज़ द टेक ऑफ इंडिया ओवर दिस लॉ वी विल बी डिस इट हियर देन वैक्सीन लॉ लोन्स क्या हैं तो वैक्सीन लोन्स इंडिया सीख कर रहा है कोई कई सारे मल्टीलेट्रल ऑर्गेनाइजेशन से तो ये मल्टी लेट्रल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं क्या है वैक्सीन लॉ लो इन सब के बारे में देखेंगे सोशल जस्टिस में अ वर्ल्ड माइनस एड्स तो देखो क्या हो रहा है कई सारी एड्स हैं ठीक है जिनको जिनमें कई सारी चीज़ें प्रोपोगेट की हुई हैं ठीक है उनका उन एड्स का इंटेंशन रहा है सोशल हारमोनी को यहाँ पे प्रमोट करना इसके अलावा थोड़ा सा प्रोग्रेसिव सोच को दिखाने की कोशिश करना लेकिन इन एड्स को लेकर जो हमारी सोसाइटी है वो कितनी इनटॉलरेंट है हम इस आर्टिकल में देखेंगे दिस इज़ एन एडिटोरियल ऑफ द हिंदू ठीक है सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ एग्ज़ाम्पल्स टू कोट इन द एग्ज़ाम्पल इन द इशू ऑफ इनटॉलरेंस हियर ओके देन जियस थ्री में वी विल बी सींग साइंस इंड टेक में से ए वाई फोर पॉइंट टू वेरियंट तो ये एक कोविड का नया वेरियंट सामने आया है हालांकि ये इंडिया में इतना ज़्यादा प्रेविलेंट नहीं है लेकिन दूसरे देशों में काफ़ी प्रेविलेंट है सो वी नीड टू नो अबाउट दिस ए वाई फोर पॉइंट टू वेरियंट देन सिक्योरिटी में से वी विल बी सींग पेगासस पेगासस इज अ स्पाइवियर आप सभी को पता होगा तीन चार महीने से ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ है तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी थी इसके रिगार्डिंग फाइनल डिसीजन लेने के लिए तो इसमें एक नई कमेटी बनाई गई है और क्या क्या लिए गए हैं हैं क्या-क्या नई बातें बोली है सुप्रीम कोर्ट के इस ने में आज हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं क्योंकि देर आर लॉट ऑफ न्यूज आर्टिकल्स टूडे हो जाएगा बहुत वीडियो इसीलिए आज हम एथिक्स का डोज कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं. अच्छा आई ऑल्सो आइडिया आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या ज़्यादा सूट करेगा आई वॉज थिंकिंग कि हम रोज़ एथिक्स डोस डिस्कस करने की जगह हम थोड़ी सी डाइवर्सिटी लाएँ कभी हम एथिक्स डोर्स डिस्कस करें कभी हम जोग्राफिकल लोकेशंस डिस्कस करें लाइक जो जो भी प्लेसेज इन न्यूज़ होती है, उनको डिस्कस करें इस तरह से हम थोड़ी सी डाइवर्सिटी भी रख सकते हैं तो आप बताइएगा आपको क्या सूटेबल लगता है कि आप चाहते हो कि रोज़ हम एथिक्स डोज डिस्कस करें या फिर कभी एथिक्स डोज कभी जोग्राफ़ी के कुछ प्लेस इन न्यूज़ कभी कुछ ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई ये सारी चीज़ें हम कभी भी डिस्कस कर सकते हैं ठीक है प्रमिनेंटली uh, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एथिक्स टोस और जोग्राफी की लोकेशंस की ठीक है तो हम इन दोनों को अल्टरनेटिवली भी यू यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं ठीक है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या फीडबैक है इसको लेकर और राइट तो हम आज के पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं सुप्रीम कोर्ट अप अ कमिटी टू एग्जामिन पिगासस एलिगेशन तो यहाँ पे पिगासस के रिगार्डिंग जो भी एलिगेशन थे गवर्नमेंट के ऊपर उसको यहाँ पे एग्जामिन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने की बात की है ठीक है इसको रिगार्ड इसके रिगार्डिंग देखो तीन चार आर्टिकल्स आए हैं आज दो हिंदू में छोटा-छोटा सब जगह पे बताया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या है ठीक है तो हम इसको डिस्कस करें उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पिगासस को सो देखिए पिगासस क्या है देखो पिगासस जो है ये एक स्पाइवेयर है ये आप देख पा रहे हो इस आर्टिकल में ये एक स्पाइवेयर है तो ये एक स्पाईवेयर है और ये डेवलप और लाइसेंस किया गया है एक इजरायली कंपनी जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप तो ये देखो पिगास जैसे कि बताया स्पाईवेयर स्पाईवेयर क्या काम करता है आपकी मोबाइल में आपके लैपटॉप्स में घुस कर इनलजटिमेटली uh, वो एंटर करता है आपके मोबाइल में और अल्टीमेटली uh, जितनी भी आपके मोबाइल uh, में इंफॉर्मेशन है आपके कैमराज को एक्सेस दे देगा आपके रिकॉर्डर्स को वॉइस रिकॉर्डर्स को एक्सेस दे देगा तो जितनी भी इंफॉर्मेशन उस मोबाइल फ़ोन या उस डिवाइस में है वो सारी वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा

आपके मोबाइल फोन को एक सर्विलेंस डिवाइस में कन्वर्ट कर देता है ठीक है क्योंकि इतनी ज़्यादा उसके ऊपर सारा जो भी डाटा है उसके अंदर वो सर्विलेंस का काम करता है, आपके एक तरह से नजर रखने का काम करता है स्पाइवेयर कैन uh, तो देखो इसका क्या मतलब है यूजली क्या होता है जितने भी वायरसेस uh, होते हैं जितने भी लोग हैक करना चाहते हैं आपके डिवाइसेस को वो क्या करते हैं आपको कोई ई भेजते हैं कोई लिंक भेजते हैं अगर आप उस लिंक पर टैप करते हो या क्लिक करते हो तो आप उस वायरस को इन्वाइट कर लेते हो अपने में, अपने में में ठीक है तो आप उसका शिकार हो जाते हो उस हैकिंग का लेकिन यहां पे किसी भी क्लिक करने की आपकी साइड से कोई एक्शन रिक्वायर्ड ही नहीं है ठीक है आपकी साइड से कुछ भी आप नहीं करोगे तो भी ये वायरस आपके फोन में एंटर हो जाएगा कैसे होगा देखो अभी जब ये इस बार जो यूज हुआ था इसमें क्या हुआ था तीन चार महीने पहले की बात है कि एक व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे एक अननोन नंबर से लोगों को मिस्ड कॉल गया ठीक है और वो व्हाट्सएप नंबर से जो मिस्ड कॉल गया वो मिस्ड कॉल से ही ये पिगास स्पाइवर जो है उनके फ़ोन में इंस्टॉल हो गया तो सिर्फ एक व्हाट्सएप के मिस्ड कॉल से आपके फ़ोन में ये इंस्टॉल हो सकता है ठीक है जीरो क्लिक अटैक है ये इसलिए इसलिए इसको जीरो क्लिक कह रहे हैं क्योंकि इसमें आपको कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है फिर भी ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा देन इट विल अल्टर कॉल लॉक सो दैट द हैज नो नॉलेज ऑफ वॉट हैपंड आपके कॉल लॉक्स को अल्टर देखो आपके फ़ोन में जितनी भी चीज़ें ना ये अल्टर कर सकता है इट वर्कस एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से कि इसमें आपको पता ही ना लगे कि उस पाइवियर ने आपके फ़ोन से क्या क्या चुराया है आपके फ़ोन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकालिए क्या आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स निकाल लिए कॉल रिकॉर्डिंग्स निकालिए आप कहाँ जा रहे हो आपके कैमरे का यूज़ किया हुआ है यह आपको कुछ पता नहीं लगेगा इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन को अल्टर कर देगा वो आपके ही फ़ोन में ठीक है इट कैन ऑल्सो भी इंस्टॉल्ड मैनुअली ऑन अ डिवाइस ओवर वायरलेस ट्रांस रिसिवर तो यहाँ पे मैन्यूली भी इंस्टॉल किया जा सकता है व्हाट्सएप कॉल से भी ट्रांसमिट किया जा सकता है इसको इफ इट फेल्स टू कनेक्ट विद इट्स कमांड एंड कंट्रोल सर्वर फॉर मोर देन सिक्सटी डेट इट्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन रिमूव ऑल द ट्रेसेस तो अगर 60 दिन से ज़्यादा ये अपने सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो ये सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है ठीक है ये कोई भी इन्फॉर्मेशन फिर uh, कोई भी ट्रेसेस नहीं छोड़ पाता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट नहीं कर पाता और राइट इफ़ इट डिटेक्ट्स दैट इट वॉज इंस्टॉल्ड ऑन अ रॉन्ग डिवाइस और सिम कार्ड इट्स सेल्फ डिस्ट्रक्स तो अगर इसको पता चलता है इस क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है काफ़ी ज़्यादा स्पाइवेयर अगर इसको पता लगता है कि ये गलत फ़ोन में गलत डिवाइस में इंस्टॉल हो गया है तो भी ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेता है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये भी नोट किया है दैट डिस्पाइट इशूइंग सिक्योरिटी अपडेट्स एंड्रॉयड एंड आई ओ एस डिवाइजेज वर ब्रिजड तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग बहुत सारे सिक्योरिटी अपडेट्स भी आते हैं फिर भी ये इसमें इंस्टॉल हो जाता है टू स्टे सेफ यूजर्स नीड टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर एंड डिवाइजेज इज़ अपडेटेड ऑल एप्प्स आर इंस्टॉल डायरेक्टली थ्रू द ऑफिशियल स्टोर्स नो सस्पीशियस ई मेल और टेक्सट शुड बी क्लिक्ड तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ आपके नॉलेज के लिए आपको यूपीएससी के लिए बल्कि यूजल लाइफ में भी इफ़ यू वॉन्ट टू बी सेव इफ यू वॉन्ट टू गेट प्रिवेंटेड फ्राम एनी काइंड यू मस्ट फॉलो दीज साइबर लॉज या आप कह सकते हो एक तरह से मेजर्स हैं ये कि अगर आपको सेफ रहना है आपके पास कोई भी ऐसे अन नोन क्लिक लिंक्स आती हैं कोई भी अनन नोन ई मेल आते हैं तो उनको खोलने की कोई जरूरत नहीं है उनके ऊपर क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है कई बार ई मेल है, आते हैं कई बार अटैचमेंट्स आती हैं पी डी एफ अटैच उनको खोलने की कोई जरूरत नहीं है और जितना हो सके अपने डिवाइस को अपडेटेड रखिए ओके okay. अच्छा देखो वंस द स्पाइवियर एंटर्स द डिवाइस इट इंस्टॉल्स अ मॉड्यूल टू ट्रैक कॉल लॉग्स मैसेजेस ईमेल्स कैलेंडर्स इंटरनेट हिस्ट्री एंड गैदर लोकेशन डाटा टू सेंड इन्फॉर्मेशन टू द अटैकर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मैंने जैसे कि बताया ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी एक्सेस कर सकता है चाहे फिर कॉल लॉग्स हों मैसेजेस हों या फिर कैलेंडर्स हों ई मेल्स हों ये आपकी सारी इंफॉमेशन को एक्सेस करेगा और उसके बाद ये ऐसा लोकेटर एक डिवाइस ढूंढेगा या फिर एक लोकेशन डाटा ढूंढेगा जहाँ पे इसको ये डाटा भेजना है जो भी हैकर उसकी लोकेशन को ट्रेस करके उस पर सीधा डायरेक्ट डाटा ओके तो ये पीगस वायरस आई होप आपको समझ में आया होगा अब देखो इसमें कंट्रोवर्सी ये थी कि ये कई सारे जो हमारे अपोजिशन लीडर्स हैं उनके फोन में इंस्टॉल हो गया था कुछ यूनियन अ, मिनिस्टर्स जो थे जैसे दो यूनियन मिनिस्टर्स थे ठीक है एम जो थे, 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 थे तो दो यूनियन एमपी के फोन में ये भी इंस्टॉल हो गया था इसके अलावा कई सारे के फोन में देखा गया इसको, जो ग्रुप है, न, NSO ग्रुप, इसका ये कहना है कि हम इसको बेचते हैं ठीक है हमारा सब एथिकल काम हम इसको बेचते हैं हम इसको जनरली गवर्नमेंट्स को बेचते हैं इन्होंने ये कहा तो ये एक इशारा इस तरफ भी गया अपोजिशन बहुत लग गई कि क्या हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर सर्विलियंस करा रही है तो इसको लेकर ये कंट्रोवर्सी इतने आगे बढ़ी और कई सारे लोग कई सारे एक्टिविस्ट कई सारे जर्नलिस्ट सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने ये चीज कही सुप्रीम कोर्ट से कि हमारी गवर्नमेंट ही हमारे ऊपर सर्विलियंस कराना चाह रही है तो इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट्स दिए हैं क्या उनका राय है ये बताते हैं इस न्यूज़ आर्टिकल्स में तो देखो सुप्रीम कोर्ट अ टू एग्जामिन एलिगेशन एलिगेशन तो जो लगाए गए हैं गवर्नमेंट के ऊपर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है ठीक है इस कमेटी में देखो इस कमेटी का जो नाम है वो है रविंद्रन पैनल ठीक है रविंद्रन पैनल के नाम से आप याद रख सकते हो और right. ये जो पैनल है ये जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं फॉर्मर जजेस हैं उनके देख रेख में ये कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी एग्जैक्टली exactly क्या काम करेगी ये एग्जामिन करेगी कि क्या गवर्नमेंट का कोई हाथ था ये पिगसर स्पाइवियर को हमारे लोगों के इंडियन सिटीजन्स uh, के या जर्नलिस्ट के या एम के जो भी लोग हैं जिनके फ़ोन में ये uh, स्पाइवियर आया था उनको इनके फ़ोन में इंस्टॉल करने के पीछे क्या गवर्नमेंट का हाथ है ये चीज यहाँ पे पता करने का काम करेगी ये कमेटी रविंद्रन पैनल जिसका नाम है ओके इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि पावर ऑफ स्टेट टू तो स्नूप इंटू पीपल्स सेक्रेट प्राइवेट स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट तो देखो ये चीज़ कही है कि नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए स्टेट ग, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट चाहे फिर वो यूनियन हो फिर फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो इन दोनों के पास ये पावर्स हैं कि वो अपने सिटीजन्स जो हैं उनकी लाइफ में थोड़ा सा एंटर कर सकती है इंटरफेयर कर सकती है प्राइवेसी उनकी ब्रीच कर बट जस्ट इन द केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी फालतू में आर्बिट्ररी तरीके से आप उनके उनके में कर कर रहे हो, आप उनके कर रहे हो, हो, आप आप ऊपर ठीक है? तो आप उनकी लाइफ में स्नूप नहीं कर सकते, if, आ, और ये जो पावर है आपकी, कि आप उनकी में जब जब स्नूप कर सकते हो दिस इज नॉट एब्सोल्यूट ठीक है इसके रिस्ट्रिक्शन हैं ओके okay, तो ये चीज कही गई है यहां पे कि नेशनल सिक्योरिटी के अलावा अगर आप किसी की सेक्रेट प्राइवेट स्पेस में एंटर कर रहे हो तो दिस इज नॉट राइट ठीक है ये गवर्नमेंट को कहा है और ये भी चीज कही गई है कि यहां पे गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा कि आपका क्या जवाब है जो एलिगेशन आपके ऊपर लगाए गए हैं उस पे आपका क्या जवाब है तो यहां पे गवर्नमेंट ने सीधा कोई भी जवाब नहीं दिया है ठीक है घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं वेग और डिनाइल के स्टेट में इन्होंने अपने जवाब दिए हैं ठीक है ठीके? और इन्होंने ये कहा है कि अगर हमको जरूरत लगती है नेशनल सिक्योरिटी के लिए किसी के प्राइवेट स्पेस में जाने की सर्विलेंस करने की तो हमारा वो राइट है ये कह रही है गवर्नमेंट ठीक है लेकिन डायरेक्टली ये नहीं कहा है कि हम हम जो किया वो सही है या गलत है ठीक है इसके अलावा यहाँ पे देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट से कि आप यहाँ पे जो कमेटी बनाना चाह रहे हैं हमारे एलिगेशन को एग्जामिन करने के लिए उसमें आप एक एक्सपर्ट कमेटी बनाइए जिसमें पॉलिटिकल लोग भी हों तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से कुछ जजेस को इन्वॉल्व करके कुछ आई पी ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करके यहाँ पे कमेटी बनाई है ठीक है तो इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वी वॉन्ट द कमेटी टू बी कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बायस ठीक है तो यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल बायस ना हो इसीलिए यहाँ पे इस तरह की कमेटी एक बनाई गई

स करने की कोशिश कर रहे हो तो ठीक है दे डो नॉट हैव एनी लिंक्स विद नेशनल सिक्योरिटी दे डो नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इन्वॉलमेंट इन टू एन इश्यूज़ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी तो भी आप उनके ऊपर अगर सर्विलेंस कर रहे हो तो दैट यू आर देन यू आर प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम हैविंग द राइट टू लिबर्टी ठीक है तो राइट टू लिबर्टी आप यहाँ पे आर्टिकल ट्वेंटी वन को भी आप उनके वायलेट कर रहे हो और इसके कारण क्या होता है कि अगर सपोज़ फॉर एग्जाम्पल कि मेरे ऊपर सर्विलेंस हो रही है तो मैं थोड़ी सी चौकन्नी हो जाऊँगी मैं थोड़ी सी अवेयर हो जाऊँगी कि मुझे किस तरह से काम करना है क्या एक्शन्स करने हैं किस तरह से अपने राइट्स को यूज़ करना है ठीक है तो यहाँ पर मैं सेल्फ सेंसरशिप कर रही हूँ तो ये सेल्फ सेंसरशिप कर अपने ही सिटीजन से ये बहुत गलत बात है ठीक है कि कोई अपने एक्शंस को अपने विल पावर के बेसिस पे ले ही नहीं पा रहा है उसको हमेशा ये डर है कि मेरे ऊपर सर्विलेंस हो रही है तो ये चीज गलत है यू आर वायलेटिंग राइट टू लिबर्टी ओके okay. इसके बाद दूसरी चीज़ ये भी कही गई है कि हम एक डेमोक्रेटिक सिविलाइज्ड सोसाइटी के लोग हैं ठीक है ठीके? और यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड होता है कि यहाँ पे हम एक दूसरे के राइट टू प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें ठीक है तो यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं सिर्फ उनकी बात नहीं नॉर्मल सिटीज़न की भी जो प्राइवेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये किसी भी तरह के वायलेशन से प्रोटेक्टेड होती है क्योंकि नाउ द राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ठीक है इसीलिए ये एक्सपेक्टेड होता है गवर्नमेंट से भी और सारे सिटीजन से भी कि वो एक दूसरे के राइट टू प्राइवेसी को रिस्पेक्ट uh, करें ठीक है किसी की भी चॉइसेस, किसी की भी लिबर्टी किसी की भी फ्रीडम के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, ठीक है हालांकि यहाँ पे ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट को हमने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि गवर्नमेंट को हमने कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ uh, दी कि वो अपना केस यहाँ पे लड़ सके अपने uh, सफाई यहाँ पे रख सके लेकिन गवर्नमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है ठीक है गवर्नमेंट कोई क्लियर टेक दे ही नहीं रही है कोई क्लियर स्टैंड ले ही नहीं रही है कोर्ट में ठीक है और वो ये कह रही है कि हमने नेशनल सिक्योरिटी रीजन से अगर हम ऐसा करते भी हैं तो ठीक है ठीक है लेकिन गवर्नमेंट सीधा कुछ नहीं कह रही है इसीलिए लिए यहाँ पर अब एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है देन यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें कही गई है जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी द बग बियर तो यहां पे ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कुछ करते हो यहाँ पे अगर आप नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कुछ करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कई सारे लॉज भी पास किए हैं नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ठीक है आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ करते हो करिए लेकिन तब जब जेनविनली नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो ये आप कुछ भी चीज़ को नेशनल सिक्योरिटी के पीछे नहीं दबा सकते ठीक है नेशनल सिक्योरिटी कोई पेनेशिया नहीं हो गया कि है ना आप हर चीज़ को कोई रामबाण नहीं हो गया कि आप किसी भी चीज़ को नेशनल सिक्योरिटी का नाम दे दोगे ठीक है तो यहाँ पे ये कहा है कि आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे लोगों का प्राइवेसी को कर्व कर सकते हो लेकिन यहाँ पे तो कोई केस नहीं है नेशनल सिक्योरिटी का फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो ठीक है और अगर आप ऐसा करना चाहते हो अगर आप चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करे क्योंकि आप कह रहे हो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है तो हमको एविडेंस दो हमको प्रूफ दो कि किस तरह से ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है देखिए ये चीज यहां पे कही हुई है इसके बाद यहां पे देखो इसके बाद ये भी कहा गया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद से सवाल पूछा खुद से समझा कि क्या हमारे पास ये राइट है कि हम यहाँ पे जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ से यहाँ पे हमसे कुछ चीज़ें छुपा सके या हमको वो चीज़ें ना बताए तो उसने खुद से सुप्रीम कोर्ट ने खुद को जवाब दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कंसिड्रेशन में है तो अगर वो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ में आता है तो ठीक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये ज़्यादा पावर्स है नहीं कि अगर कोई लॉ नेशनल सिक्योरिटी के अंतर्गत बनाया गया या कोई भी एक्शन नेशनल सिक्योरिटी

हो, तो ये चीज गलत है ये allowed नहीं है। कुछ आपके पीछे आपके इस action के पीछे कुछ हो, कुछ reasons हो, तो समझ आता है। आप एवं ही कर रहे हो ये सब चीजें तो गलत है ठीक है इनडिस्क्रिमिनेट स्पाइंग नहीं कर सकते आप और ये जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है ये भी इसके अगेंस्ट है ठीक है प्रोसीजर स्टैब्बलिड बाय लॉ के अगेंस्ट है ये चीज कि अगर आप यूं ही किसी के लिए स्पाइंग कर रहे हो तो ओके okay. सो so, ये था इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल ठीक है पीगासस के बारे में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है आगे बात करते हैं तो देखो ये हम डिस्कस कर चुके हैं देन कम्स चाइना का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट या लैंड बाउंड्री लॉ तो देखो यहाँ पे चाइना ने एक लॉ पास किया है जिसको वो कहता है अपना लैंड बाउंड्री लॉ इसमें चाइना ने बेसिकली ये कहा है कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए और अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए यहाँ पे अगर बॉर्डर एरियाज में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर हो सके तो उसका हमें हक है ये चीज़ कही हुई है यहाँ पे ठीक है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर्स द लॉ वुड फॉर्मलाइज सम ऑफ द चाइनाज रिसेंट एक्शन इन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज विथ इंडिया एंड भूटान तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में कोशिश क्या चल रही है यहां पे चाइना का जो डिस्प्यूट चल रहा है लैंड का कि हाँ भाई ये तो हमारी टेरिटरी है, है तो एक तरह से फॉर्मलाइज करने की कोशिश चल रही है अब इसमें क्या इंक्लूडेड है इसमें यह कहा है कि जो आर्मी है चाइना की अगर वो ट्रूप्स को रखती है जैसे कि एल पे रखा हुआ है और यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी करती है एग्जाम्पल यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, 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 तो तो वो उसका राइट right ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे इस लैंड बाउंड्री लॉ में कही है। और चाइना ने यहाँ पे कुछ फ्रंटायर विलेजेस भी इस्टेब्लिश किए हैं इन एरियाज में सो so दिख सके कि यहाँ भाई देखो ये के है, ये जो है चाइना की हो गई ठीक है ऐसी चीज़ की है यहाँ पे किसके साथ डोकलाम प्लेट्यू के, आसपास, जो के साथ इनकी टेरिटरी है उसमें ये एक चीज़ कही हुई है ठीक है और ये जो लॉ चालू होगा मतलब इंप्लीमेंट होगा 2022 से होगा ओके अब चाइना ने इसमें ये कहा है कि लैंड बाउंड्री लॉ जो बनाया है उसके ऊपर इसमें इंडिया का ये कहना है कि चाइना यूनिटरली किस तरह से ये कर सकता है यूनिलिटरली चाइना किस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट कर सकता है कि हाँ ये हमारा है ऐसा नहीं है ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो आप कैसे कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा है कि एल जो है ये आज भी डिस्प्यूटेड है ठीक है आज भी इसके ऊपर हम आ, हम दोनों लड़ रहे हैं या स्टैंड ऑफ है जो भी है तो आप इसके ऊपर यूनिलेट्रली कोई भी अरेंजमेंट नहीं लगा सकते कोई भी बाउंड्री अरेंजमेंट्स नहीं कर सकते ठीक है और ये एक यूनि मूव है ठीक है तो यहाँ पे दोनों साइड्स अगर मानते हैं यहाँ पे दोनों साइड्स के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट से ये चीज़ होती है तो समझ आता वरना ऐसा नहीं होता अब इंडिया ने ये कहा है कि एक तो जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है लद्दाख वाला रीजन वो तो हमारा है ही उसके बाद इंडिया ने ये भी कहा है कि जिस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने चाइना को साक्षकाम वैली दे दी थी वो एग्रीमेंट को भी हम नहीं मानते तो साक्षकाम वैली क्या है पहले मैप देखो तो देखो ये है हमारा मैप ठीक है इसमें पहले ये वाला रीजन ये वाला मैप देखो तो देखो यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है आपको ये जो रेड मार्क्स हैं ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी को दिखाते हैं यानी कि हैं ये इंडिया के लेकिन चाइना भी क्लेम करता रहता है ठीक है तो ये एल को दिखाते हैं एल क्या है बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है उसको कहते हैं एल ठीक है तो लद्दाख वाला रीजन है ये चाइना कहता है हमारा है ठीक है इसमें दमचोक है ट्रिग हाइट्स है दुमचेल है पंगोंगसो है तो इसमें पंगुर गैप है ये सारी चीजों को ये सारे जो प्लेसेस हैं इन को चाइना क्लेम करता है उसके अलावा हिमाचल में कॉरिक और शिपकीला इसको करता है फिर यहां पे उत्तराखंड में बराहुति और पुलान इसको करता है अरुणाचल में कई सारी जगह है जिसको चाइना क्लेम करता है तो ये सारी जो है फ्लैश पॉइंट है ठीक है और आज की डेट में ट्वेंटी थ्री डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरियाज है अलॉन्ग एल और एल लगभग साढ़े तीन हजार किलोमीटर्स की है ठीक है तो दोनों साइड से अपना अपना काम करते रहते हैं दोनों साइड से कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे डेवलप कर लें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सो देट ये टेरिटरी हमारी हो जाए ठीक है तो अभी तक इंडिया में ये देखा गया है कि लगभग 300 सौ ट्रांसग्रेशन होते हैं हर साल मतलब जो चाइना के बार अपनी को यहां आने की कोशिश करते हैं तो 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 रेगुलरली चाइना की तरफ से ट्रूप्स आते रहते हैं अब देखो यहां पे इंडिया का ये जो नॉर्दर्न रीजन है उसको देखते हैं तो ये था पहले जम्मू कश्मीर अब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है तो समझे तो ये वाला रीजन देखो हमारा जो रीजन पे फोकस है वो चाइना के ऊपर है तो ये है अक्साई चीन ओके अक्साई चीन जो है ये अभी चाइना कंट्रोल कर रहा है हालांकि ये अभी भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है लेकिन अभी इसको चाइना कंट्रोल करता कर रहा है इंडिया भी इसको क्लेम करता है और ये 1962 के वॉर के बाद से चाइना इसको कंट्रोल कर रहा है लेकिन इंडिया का कहना है कि हम हमारी टेरिटरी तेरि, है ये ठीक है इसके बाद यहाँ पे देख रहे हो आप ये जो है यहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान है ठीक है जो पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है लेकिन क्लेम इंडिया करता है इसको इसके बाद ये वाली जो रीजन है ये साक्शकाम वैली है ये छोटी सी ठीक है ये पहले गिलगिट बाल्टिस्तान का ही पार्ट हुआ करती थी लेकिन पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट के तहत इसको चाइना को दे दिया ठीक है एज अ गिफ्ट तो इसको क्लेम करता है इंडिया तो इंडिया बोल रहा है कि भाई टेरिटरी मेरी है तो तुम कैसे आपस में शेयरिंग कर रहे हो इसकी किस किस एग्रीमेंट के बेसिस पर कर रहे हो हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते ठीक है इसके अलावा यहाँ पे देखो ऊपर ये स्ट्रैंगर शेप में जो दिख रहा है यह है सियाचिन वैली ठीक है तो सियाचिन वैली जो है ये इसको इंडिया कंट्रोल करता है लेकिन क्लेम पाकिस्तान भी करता है तो इंडिया ने बोला नहीं भैया तो हमारी और ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है क्योंकि जो भी जिसका भी कंट्रोल सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर है ना उस उसको दोनों साइड का चाइना का भी और इंडिया का भी दोनों साइड के आर्मीज के मूवमेंट दिखते हैं ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट जगह है तो ये है एल और ये है एल ठीक है अच्छा यहाँ पे गालवान वैली की भी लोकेशन देख लेना हॉट स्प्रिंग की लोकेशन देख लो पगोंगसो की लोकेशन देख लो इसमें नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट थोड़ा सा आइडिया रखोगे ना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा रहेगा आपके लिए ठीक है उसके बाद यहाँ पे है कारगिल ये है लेह ये है यहाँ पे श्रीनगर तो सबसे पहले आ रहा है श्रीनगर ठीक है अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाए उसके बाद आ रहा है कारगिल उसके बाद आ रहा है लेह उसके बाद यहां पर देखो जम्मू भी है तो ये आप समझ गए और ये वाला जो रीजन है ना पूरा ये है कश्मीर जो इंडिया कंट्रोल करता है लेकिन पाकिस्तान भी इसको क्लेम करता है ठीक है तो ये हमने पूरा मैप देख लिया अब आई होप आपको समझ आ गया होगी कि एल क्या है सक्षकाम वैली क्या है अक्साई चीन क्या है ये आपको समझ आ गया होगा अब आते हैं हम मेन वापस से इसके ऊपर तो देखो यहाँ पे ये यह कहा है इंडिया ने कि आप कब से बोल रहे हो कि साक्षकाम वैली आपकी अक्सई चीन आपका है तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और दूसरी चीज़ कि साक्षकाम वैली जिस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने आपको दी थी हम उस एग्रीमेंट को नहीं मानते ठीक है ये यह चीज़ यहाँ पे कही गई है और यहाँ पर ये यह कहा गया है कि देखो जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो अलॉन्ग एल ए उससे आपको लग रहा है कि ये टेरिटरी आपकी हो जाएगी ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट या लैंड बाउंड्री लॉ आप जो पास कर रहे हो उससे आपको लग रहा है कि टेरिटरी आपकी हो जाएगी ऐसा नहीं है ठीक है यहाँ पे इंडिया आ, के साथ आपका ये डिस्प्यूट है तो इंडिया और चाइना जब मिलके अगर ऐसा कुछ करते हैं तो समझ आता है चाइना युद्धिनिटरली ऐसा कुछ नहीं कर सकता ठीक है और यहाँ पे एक तरह से अगर आ, आप थोड़ा डेप्थ में जाके समझो तो यहाँ पे बेसिकली इंडिया और भूटान ही है जिसके साथ चाइना के सीधे लैंड बाउंड्री के इश्यूज हैं ठीक है वरना फिर चाइना साउथ चाइना सी को क्लेम करता है जिसमें सी वाले पोर्शन को यहाँ पे क्लेम करता है इंडिया और भूटान के साथ सीधे लैंड वाले पोर्शन को ये क्लेम करता है चाइना ठीक है इसलिए इनको टारगेट करने के लिए ये लैंड बाउंड्री लॉ लेके आया है ठीक है समझ गए अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की ये वो वाला आर्टिकल है जिसकी मैं बात करी थी एड्स के ऊपर बेस्ड है ठीक है तो यहाँ पे अ वर्ल्ड माइनस एड्स तो इस आर्टिकल में क्या बताया गया है इस आर्टिकल में बताया गया है कि सोशल मीडिया आउटरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये जो बढ़ रहे हैं ना सोशल मीडिया आउटरीज ये कैंपेन्स के अगेंस्ट बढ़ रहे हैं किसी भी ब्रांड के अगेंस्ट किसी भी ब्रांड की एड के अगेंस्ट ये सोशल मीडिया आउटरीजेस बहुत बढ़ रहे हैं और ये एक इशारा करते हैं टूवर्ड्स इनटॉलरेंस एग्जिस्टिंग इन आर सोसाइटी अब इनटॉलरेंस क्या है वेन

सोशल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ते हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कास्ट क्लास जेंडर लैंग्वेज रिलीजन हर डायमेंशन में सोशल कॉन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं लेकिन ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इस तक नहीं सीमित रहते हैं. ये दूसरे फेज़ में भी बढ़ते हैं जैसे कि यहाँ पे फॉल्ट लाइंस जो हैं वो दूसरे स्वेज़ में भी बढ़ती हैं फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट्स में किस तरह से देखो एड्स क्या होती हैं एड्स में जब ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है ना तो इसके कारण जो कंज्यूमर है इकोनमी पे सीधा अफेक्ट पड़ता है कैसे कि जो कंज्यूमर है उसकी परचेजिंग ओपिनियंस जो है जो उसकी परचेजिंग डिसीजन है वो भी यहाँ पर इफ़ेक्ट होते हैं किस तरह से ये देखते हैं जैसे कि यहाँ पर अभी रिसेंट केसेस की बात की हुई है फैब इंडिया और डाबर फैब इंडिया और डाबर दो ब्रांड्स हैं बहुत बड़े ब्रांड्स हैं इन्होंने कुछ एड्स लेके आए जिसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा आउटरीच देखने को मिला ठीक है अगर आप इनका इंटेंशन समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको लगेगा कि ये प्रोग्रेसिव थॉट्स को एक तरह से प्रोपोगेट करना चाहते हैं ठीक है कोई भी कंपनी देखो कोई भी ब्रांड है कोई भी कंपनी है वो ऐसी एड्स को नहीं लाएगी जिसके कारण उसका मार्केट गिर जाए ठीक है वो ऐसी एड्स को बिल्कुल भी नहीं लाएगी जिसके अगेंस्ट उसके जिसमें उसके अगेंस्ट आउटरीच होने लगे इनका इंटेंशन ऐसा नहीं था जैसा कि यहाँ पे हमारी सोसाइटी ने इसको लिया है जैसे कि शहब इंडिया की बात करते हैं फैब इंडिया ने क्या किया फैब इंडिया एक मेजरली जो एक गारमेंट की ब्रांड है ठीक है जो भी ट्रेडिशनल गारमेंट्स होते हैं उसकी ब्रांड है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इन्होंने एक अपना नया प्रोजेक्ट लेके आई है, जिसका नाम इन्होंने रखा जश्न ए रिवाज ठीक है जश्न ए रिवाज और अभी देखो क्योंकि दिवाली सीजन चल रहा है तो दिवाली इज़ अ सीज़न ऑफ हिंदू कम्युनिटी और इन्होंने जो अपना ये नया ब्रांड नया जो ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसमें इन्होंने नई तरह के गार्मेंट्स को यहाँ पे नए क्लॉथ कलेक्शन को यहाँ पे लेके आए हैं इसका नाम दिया है जश्न रिवाज तो ये क्योंकि उर्दू नेम है तो यहाँ पे सोसाइटी के जो लोग हैं कुछ काफ़ी ज़्यादा राइटिस्ट लोग जो हैं वो भड़क गए एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं वो भड़क गए कि यहाँ पे दिवाली आ रही है हिंदू फेस्टिवल है आप यहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स कैसे लेके आ रहे हो उर्दू बेस्ड कैसे लेके आ रहे हो तो यहां पे ये ये कोई मुझे तो समझ नहीं आता ये कोई लॉजिक है क्या कि ये उनकी मर्जी कि उनको क्या रखना है अब किसी किसी को उर्दू वर्ड्स अच्छे लगते हैं किसी किसी को बंगाली बंगाली वर्ड्स अच्छे लगते हैं किसी किसी को लगता है कि उर्दू वर्ड्स काफ़ी रॉयल लगते हैं तो डिपेंड्स डिपेंड्सन टू पर्सन की उनकी चॉइस है ठीक है और इसमें मुझे इंटेंशनली अगर देखो अगर आप उसका इंटेंशन समझने की कोशिश करो तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ फिशी ये दिमाग में प्लान कर रहे थे अपने ठीक है तो मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे तो यहाँ पे कुछ नहीं लगता लेकिन यहां पे सोसाइटी में बहुत आउटरीच देखने को मिला उसके बाद डाबर जो है ये भी एक ऐड लेके आया जिसमें करवा चौथ से रिलेटेड एक ऐड थी जिसमें सेम सेक्स कपल के बीच में ये करवा चौथ का ट्रेडिशन दिखाया हुआ था तो इसको लेकर लोग भड़क गए कि आप ऐसे कैसे दिखा सकते हो आप हमारे ट्रेडिशंस का अपमान कर रहे हो आप हिंदू कम्युनिटी के ट्रेडिशंस का अपमान कर रहे हो हमारा रिलीजन इसको परमिट नहीं करता फिर भी आप इसको प्रमोट कर रहे हो ये इन सब चीज़ों के कारण इनको क्या करना पड़ा अपनी एड्स को हटाना पड़ा ठीक है लेकिन आप अगर लॉजिकली सोचोगे तो आपको भी समझ आएगा अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप क्या कोई ऐसी ऐड दोगे जिसके अगेंस्ट आप जिसमें आपके अगेंस्ट लोग खड़े हो जाएं और आपका मार्केट गिर जाए ऑब्वियसली नो ठीक है तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर हालांकि ये भी एक पॉइंट है कि यहाँ पे जो भी एडवर्टाइजिंग टीम है उसको थोड़ा सा सोसाइटी के जो नॉलेज है सोसाइटी के जो नॉर्म्स है सोसाइटी के जो प्रेविलेंट ट्रेडिशन है उसको ध्यान में रख के एड्स बनानी चाहिए और देखो प्रोग्रेसिव थाट्स की हम बात करते हैं तो वो ओवर द नाइट नहीं होते हैं ठीक है ओवर द नाइट आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कल उठेंगे और सारी जो सोसाइटी है सारा जो इंडियन सोसाइटी है वो सेम सेक्स मैरिजेस को एक्सेप्ट कर लेगी ऐसा नहीं नहीं होता है ठीक है तो आपको थोड़ा सा उसको ध्यान में रख के भी बनाना चाहिए सो दैट लोगों के सेंटीमेंट हर्ट ना हो लेकिन यहाँ पे हमें भी एज अ सोसाइटी टॉलरेंस को एक बहुत ज्यादा इनकल्केट करने की जरूरत है हमारे uh, अंदर ठीक है तो ये चीज है इसके अलावा एक सीएट ऐड uh, सीए टायर्स की एक ऐड थी ठीक थी? है इस सीए टायर, uh, टायर्स की ऐड में आमिर खान uh, यहां पे ऐड कर रहे थे इसको और इसमें ये कहा गया था कि आप रोड्स पे फटाके या जो ये क्रैकर्स हैं उनको मत जलाइए ठीक है क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है जो लोग रोड पे चल रहे हैं और एनवायरमेंट का भी तो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे भड़क गए कि अच्छा जब आप नमाज पढ़ते हो तो वो भी आप मत पढ़ा करो क्योंकि इससे हमको भी दिक्कत होती है आप यहाँ पे रोड्स ब्लॉक करते हो नमाज के टाइम पे तो वो भी मत किया करो आ, तो ये चीज़ यहाँ पे कहने लग गए ठीक है उसके बाद तनिष्क जो है तनिष्क की लास्ट ईयर एक ऐड आई थी ठीक है इस तनिष्क में क्या हुआ था इसमें एक एक फैमिली थी एक मुस्लिम फैमिली थी उनकी जो डॉटर इन लॉ थी उनकी जो बहू थी दैट वाज अ हिंदू ठीक है मुस्लिम फैमिली में एक हिंदू बहू तो उस उस मुस्लिम फैमिली ने उस हिंदू डॉटर इन लॉ के थॉट्स को रिस्पेक्ट करते हुए उसको एक सरप्राइज़ के तौर पर उसका यहाँ पे बेबी शावर यहाँ पे बेबी शावर ऑर्गेनाइज़ किया ठीक है उसको लेकर यहाँ पे लोग भड़क गए कि आप यहाँ पे देखो बेबी शावर जनरली मुस्लिम्स में नहीं होता है बेबी शावर इज अ हिंदू ट्रेडिशन तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे करने की कोशिश की थी यहाँ के हिंदू सॉरी मुस्लिम फैमिली ने हिंदू डॉटर इन लॉ के लिए ये दिखाया था तनिष्का की एड में तो यहाँ पे भी लोग भड़क गए कि आप यहाँ पे लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हो ठीक है तो इस तरह के नोशंस को प्रमोट करो ये चीज़ कह के पर अगर आप यूजली देखो तो इट कैन ऑल्सो बी अ सिम्बॉल ऑफ कम्युनल हारमनी इन आर कंट्री ठीक है तो ये कम्युनल हारमनी का भी सिंबल हो सकता है अगर आप इसको पॉजिटिवली देखो तो लेकिन हमारे देश में इतनी ज्यादा इनटॉलरेंस और रिलीजियस वायगोट्री बढ़ गई है कि यहाँ पे हर पॉजिटिव चीज़ को भी नेगेटिवली देखा जा रहा है ठीक है एंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी हैव अ लॉट ऑफ मेनी मोर इंपॉर्टेंट इश्यूज टू लुक आफ्टर हमारे यहाँ पावर्टी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ भुखमरी बहुत ज्यादा है माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है ठीक है हमारी इकोनमी कितनी नीचे जा रही है हमको इन चीज़ों को टैकल करना चाहिए कि इन छोटे छोटे इशूज़ के ऊपर बैठे रहना चाहिए तो दिस इज माई ओपिनियन हालांकि इस एडिटोरियल में भी यही कहा गया है तो यू हैव टू ओपन योर माइंड सेट टू अंडरस्टैंड सच इशूज ठीक है हम यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होकर नहीं सोच सकते ठीक है तो ये था आज का एडिटोरियल आज आगे बात करते हैं सेंटर वॉन्ट्स टू कीप बर्थ एंड डेथ डाटाबेस तो यहाँ पर यह बताया गया है कि सेंटर जो है वहां पर डेथ और बर्थ का डाटाबेस रखना चाहती है देखो अभी तक क्या होता था, था कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती थी उसने अपने लोकल रजिस्ट्रार्स रखे हुए थे और ये लोकल रजिस्ट्रार जब भी कोई बच्चे का बर्थ होता था या किसी की भी डेथ होती थी तो उसकी जो भी सर्टिफिकेट्स हैं जो भी डाटाबेस है वो स्टेट यहाँ पे मेंटेन करता था लेकिन अब ये कहा गया है कि जो भी लोकल रजिस्ट्रार है वो तो करेंगे ही इसके अलावा वो सभी लोग रिपोर्ट करेंगे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को ठीक है और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो इंटीग्रेटेड डाटा है उसमें इस डाटा को एड ऑन करेंगे ठीक है और इस डाटाबेस को किस लिए एड यूज़ किया जा रहा है इसको मतलब कलेक्ट क्यों किया जा रहा है इसको कलेक्ट किया जा रहा है स्पेशली एनपीआर के लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री जो बनानी है उसके लिए अब देखो कल ही हमने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री का आर्टिकल पढ़ा था तो अगर आप रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो आप लिंक कर पाओगे और आपको होलिस्टिकली पूरा लेक्चर समझ आएगा ठीक है तो एनपीआर यहां पे बनाना है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री बनानी है इसीलिए यहां पे इसको कलेक्ट करने की बात चल रही है अब ये जो लॉ है ये जो चीज कही गई है इसमें एक अमेंडमेंट किया गया है लॉ में तब जाके यहाँ पे सेंटर जो है इस बर्थ एंड डेथ की डाटाबेस को कलेक्ट कर सकता है किस लॉ में अमेंडमेंट किया गया है देखो ये 1969 का लॉ है जिसका नाम क्या है बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट है 1969 का उसमें अमेंडमेंट करके ये चीज की जा सकती है और ये क्यों की जा रही है सो so देट यहाँ पे पॉपुलेशन रजिस्टर जो है इलेक्ट्रोरल रजिस्टर है आधार राशन कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस इन सभी के ऊपर अपडेशन किया जा सके इसके लिए चीज की जा रही है और इसमें यह भी कहा गया है कि सेक्शन थ्री ए जो है इस एक्ट का जो इंसर्ट किया गया है थ्रू दिस लॉ अमेंडमेंट उसमें ये कहा गया है कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वो एक डाटाबेस को मेंटेन करेंगे जो बर्थ एंड डेथ्स जो होंगी नेशनल लेवल पे उनका एक डाटाबेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भी यहाँ पे अपने अंदर मेन्टेन करेंगे ठीक है तो ये चीज़ कही गई है और कई सारे एक्ट्स यहाँ पे कई सारे एक्ट्स को अपडेट करने के लिए यहाँ पे यह काम आएगी जैसे कि फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है पासपोर्ट डाटा है आधार एक्ट है इन सभी को यहाँ पे अपडेट करने के लिए ये चीज़ काम आएगी ठीक है तो ये हमने डिस्कस कर लिया छोटा सा आर्टिकल था लेकिन आपको पता होना चाहिए ओके okay. देन एक आर्टिकल है रिगार्डिंग वैक्सीन लोन्स तो इंडिया जो है यहाँ पे वैक्सीन लोन्स लेना चाहती है एडीबी और एआईआईबी से अब देखो यहाँ पे ADB और AIIB क्या है ADB बी इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक ठीक है और AIIB है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इन दोनों बैंक से इंडिया जो है 667 मिलियन डोसेस खरीदने के लिए वैक्सीन के 667 मिलियन डोसेस खरीदने के लिए यहाँ पे लोन लेना चाह रही है ठीक है तो अब जो अब पहले इसको देख लेते हैं कि ए और ए कैसी हैं तो ए और ए को देखो तो ये नाइनटीन की बॉडी है ये टू की बॉडी है इसमें सिक्सटी सेवन मेम्बर्स हैं इसमें फिफ्टी सेवन मेंबर्स हैं इसमें लार्जेस्ट स्टेक होल्डर जापान है और यूएस है इसमें लार्जेस्ट स्टेक होल्डर चाइना है और इंडिया है ठीक है इसके बाद यहाँ पे मेन काम क्या करती है पावर्टी रिडक्शन का सोशल डेवलपमेंट का काम करती है लेकिन ए भी जो है ना ये मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे लोन्स देती है ठीक है ये वन बिलियन डॉलर्स का इसके पास कैपिटल है इसके पास हंड्रेड बिलियन डॉलर्स का कैपिटल है इसमें ए में यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में कोई भी वीटो पावर किसी के पास भी नहीं है इसमें चाइना के पास है ठीक है ये मनीला में

लोन देने वाली है इंडिया को सो so दैट यहाँ पे इंडिया जो है ये वैक्सीन्स खरीद सके और ए जो है यहाँ पे 500 मिलियन डॉलर्स का यहाँ पे लोन देने वाली है इंडिया को और ये जो वैक्सीन्स खरीदे जाने वाली हैं वो ए की ही एक एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी है जिसको हम कह सकते हैं ए वैक्स एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस एक्सेस फैसिलिटी इसके थ्रू ये लो, ये जो वैक्सीन है वो ली जाएंगी ठीक है तो ये आपको समझ में आना चाहिए और ये वैक्सीन्स कौन कौन सी ले सकती है इंडिया वो वैक्सीन जो कि कोवैक्स फैसिलिटी ने खरीदी हो ठीक है या फिर डब्ल्यू ने उनको क्वालिफाई किया हो या फिर कोई भी एक्सटेंडेंट अथॉरिटी के द्वारा वो ऑथोराइज हो अब इसमें इंडियन गवर्नमेंट नहीं आती तो इंडिया की जो ये कोवैक्सीन है वो इसमें नहीं चलेगी कोविशील्ड चल जाएगी ठीक है तो ये आपको बता होना चाहिए छोटा सा आर्टिकल याद रखना ठीक है देन नॉक एवरी डोर नॉक एवरी डोर क्या है तो देखो ये नॉक डोर एक कैंपेन है जो हेल्थ मिनिस्टर ने अभी अभी अनाउंस की है कुछ कल ही अनाउंस की थी नॉक डोर कैंपेन में क्या किया जाएगा कि हमारे देश में कल भी हमने देखा था कि एक डाटा आया था जिसमें फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज जिनको लग गया है इनके बीच में काफी ज्यादा गैप है टू टाइम्स से ज़्यादा ये गैप है मतलब जैसे मान लो इन एक्स लोगों ने सेकेंड डोज लगवाया है और टू पॉइंट फाइव लोगों ने फर्स्ट डोज लगवाया तो मतलब इतना कम लोगों ने सेकेंड डोज के लिए लोग गए हैं तो इस गैप को कम करने के लिए और ये कोशिश करने के लिए कि जिन लोगों ने फर्स्ट डोज ले लिया है वो सेकेंड डोज भी लें इसके लिए नोक्यो नाक्यो डोर कैंपेन लगाया गया है नॉक एवरी डोर कैंपेन चालू किया गया है जिसमें क्या किया जाएगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंकरेज करेगी लोगों को कि आप अपना सेकेंड डोज भी लीजिए ठीक है और गवर्नमेंट का एक टारगेट ये भी है कि नवंबर तक पूरी पॉपुलेशन जो है इंडिया की उनमें सभी को कम से कम एक डोज तो लग जाए फर्स्ट डोज तो लग जाए ठीक है तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और भी यहाँ पे याद रखना आप कि इसको हर घर दस्तक नाम भी दिया गया है हर घर दस्तक कैंपेन है ये ठीक है सभी डिस्ट्रिक्स में जाएंगे लोग जो वैक्सीन लगाने वाले हैं और वो हर पर्सन को यहाँ पे बताएंगे कि आपको सेकेंड डोज की भी जरूरत है ठीक है और यहाँ पे इनोवेटिव स्ट्रेटजीज वगैरह लाने की बात की गई है और कल जो हमने एक डिस्कस किया था आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इसके बारे में भी यहाँ पे कुछ जानकारियां दी गई हैं जैसे कि इसमें किस तरह से लोकल प्लान बनेंगे वगैरह सारी जो चीजें हैं हालांकि कुछ स्पेशल प्रोविजन आए नहीं है इसलिए हम इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब डिटेल्ड में प्रोविजन आएंगे तब हम देखेंगे इसको ओके okay. देखो ये एक नया वेरिएंट आया है ए वाई फोर पॉइंट टू इन इन इंडिया तो देखो ये एक नया वेरिएंट पता लगा है इंसा कॉग ने ये कहा है कॉग क्या है बेसिकली ये एक जीनोम सीक्वेंसिंग देखो ये जीनोम सीक्वेंसिंग वाली एक बॉडी है जो इंडिया में काम करती है जीनोम सिक्वेंसिंग का तो ये इसका फुल फॉर्म है इंडिया सार्स कोव टू जीनोम कंसोर्टियम ठीक है तो ये इसका नाम है और ये बेसिकली क्या करती है ये इंडिया में कौन कौन से नए वेरियंट्स आ रहे हैं कोविड के ये कौन कौन से नए वेरियंट्स इमर्ज कर रहे हैं किसी पैथोजन के इसका ध्यान रखती है तो इसको किस किसने बनाया है देखो एक तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके अलावा यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे सी एस आई आर यहाँ पे इन्वॉल्व है और एक आई आई सी एम आर ठीक है इन चारों बॉडीज ने मिलकर इस इंसाकॉक को बनाया है और ये बेसिकली काम करती है कि अगर कोई भी नया वेरिएंट आ रहा है हमारे देश में तो उसका पता लगाना ठीक है अब इसने बोला है कि इतना फ्रीक्वेंट नहीं है ये वाला जो नया वेरियंट है तो ये जो नया वेरियंट है ए वाई फाइव फोर पॉइंट टू ए वाई फोर पॉइंट टू जो नया वेरिएंट है ये बेसिकली सब वेरिएंट है किसका डेल्टा वेरिएंट का डेल्टा वेरिएंट बहुत फ्रीक्वेंट है इंडिया में आज भी लेकिन ये वाला सब वेरिएंट बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया है इंडिया में ठीक है ये वाला जो मेन वेरियंट है ना ये मेनली यू में देखा गया है यूनाइटेड किंगडम्स में ठीक है हालांकि उसके आसपास की कंट्रीज में भी देखा गया है लेकिन मेजरली इंडिया में उतना नहीं देखा गया है ठीक है तो इंडिया को इसकी चिंता करने की बात नहीं है अब देखो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो वेरियंट का क्या मतलब होता है सबसे पहले समझो म्यूटेशन क्या है तो अगर ये कोई वायरस है ठीक है नॉर्मल पेरेंट वायरस है या पैथोजन है उसमें अगर आरएनए में यहाँ पे कुछ भी जो जेनेटिक मटेरियल है कॉपी करने के दौरान अगर मान लो एक जो पैथोजन है वो अपने आप को कॉपी कर रहा है किसी भी पेशेंट में जाके किसी भी पर्सन के अंदर जाके सपोज की एक वायरस है जो मेरे अंदर आ गया मेरे अंदर आके वो अपने आप को कॉपी करेगा अगर उसको फैलना है तो अब फैलने के टाइम पे कॉपी करने के टाइम पे अगर उसका जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस आ जाते हैं कुछ अल्ट्रेशन आ जाते हैं तो वो जो नया जो अल्ट्रेशन है उसको हम कहेंगे म्यूटेशन और जो उसके बाद नया वेरियंट बना जो नया पैथोजन बना जो नया कॉपीड वायरस बना जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल चेंज हो चुका है उसको हम कहेंगे वेरियंट ऑफ द पेरेंट वायरस ठीक है और अगर ये जो वेरिएशन है

आगे बात करते हैं देखो ये एक आर्टिकल था इसमें बताया गया है कि ईरान और आसपास के जो नेशन है अफ़गानिस्तान के उन सभी ने मिलकर एक मीटिंग करी है जिसमें उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान ये सब इन्वॉल्व हुए थे तो देखो ये अफ़गानिस्तान है इसके पास पास कौन है ईरान है तुर्कमेनिस्तान है उज्बेकिस्तान है तजाकिस्तान है पाकिस्तान ये सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुई इसके अलावा चाइना और इधर रशिया है रशिया भी इसके साथ इन्वॉल्व हुई थी तो इसमें ईरान ने कुछ बातें कही है तालिबान को लेकर ईरान ने यह कहा है कि एक तो पहली चीज़ जो तालिबान को करनी चाहिए वो है कि फ्रेंडली रिलेशन निभानी चाहिए अपने नेबर्स के साथ और ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके नेबर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो उनके कारण कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ना हो कोई भी वायलेंट एक्टिविटीज़ ना हो कोई भी मिलिट्री इन्फिल्ट्रेशन ना हो और दूसरी चीज़ की ह्यूमैनिटेरियन एड देने की कोशिश करी है इसको ठीक है क्योंकि यहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी चल रहा है और ये कहने की कोशिश की कि यहाँ पर आप इंक्लूसिव इंक्लूसिव गवर्नमेंट को लाइए यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट कीजिए जैसे कि आप गवर्नेंस में भी लोगों को इन्वॉल्व कीजिए अलग अलग कम्यूनिटीज़ uh, को इन्वॉल्व कीजिए लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान ने कहा तो है कि हाँ तालिबान ने कहा तो है हम करेंगे लेकिन आप इनकी कैबिनेट को देखोगे ना तो कैबिनेट में एक भी वुमेन नहीं है एक भी माइनॉरिटी के लोग नहीं है ठीक है तो यहाँ पे ये यह भी कहा है ईरान ने कि आप यहाँ पे वुमेन को भी यहाँ पे राइट्स दीजिए और एक चीज़ ये भी है कि अगर तालिबान के ऊपर सैक्शन लगते हैं अफगानिस्तान का यहाँ पे इकानमी डाउन जाती है तो उसका इफेक्ट आस की कंट्रीज़ पर भी पड़ेगा ईरान पर भी पड़ेगा और ईरान तो अभी बहुत ही ज्यादा खुद भोगी है ठीक है ईरान के ऊपर खुद चल रहे हैं तो ईरान की इकॉनमी ऑलरेडी डाउन है तो कुल मिलाकर ये कहा है कि आप यहाँ पे कोशिश करो कि आपकी इकोनॉमी ऊपर जाए आप यहाँ पे जेनुइन लाने की कोशिश करो आप यहां पे लोगों के सिटीजन की वेलफेयर के लिए काम करो इंस्टीड ऑफ थिंकिंग ऑफ जस्ट ग्रैबिंग द पावर ठीक है तो ये सारी बात हुई है यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे ये कहा है कि हम भी कोशिश करेंगे बाकी सारी कंट्रीज़ ने कहा है कि हम भी कोशिश करेंगे आपके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करें और आपको आपकी एक क्लियर पिक्चर वर्ल्ड के सामने रख सकें ठीक है तो ये छोटी सी चीज़ थी आपको पता होना ज़रूरी था इसलिए मैंने बता दिया कि अब कौन कौन सी कंट्रीज़ आगे आके तालिबान के साथ इंगेज होना चाह रही हैं ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे